हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में और लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अपडेट कर दूँ कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम वैसे खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम मतलब डिटेल में जाने को जाएँ तो ये 1 आवर का लेक्चर ईजिली हो सकता है, ईजिली 1 आवर का। स्पेशली जब मैं UPSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ये लेक्चर उतना ही जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये NCERT है जिसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वही डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि ज़्यादा खींची है। लेकिन स्टिल थोड़ा सा मैं आपको डिटेल तो दूंगा ही, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ था तो एकता सिस्टम था उसमें। एकता सिस्टम किसी को अगर ज़्यादा पढ़ना है तो एकता SYE Academy करके लेक्चर देख लेना, डिटेल में मैंने सबको समझा रखा है। एकता सिस्टम था। उसके बाद जब एकता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, अगर आप देखें तो इल्तुतमिश ने शुरू करा था दोस्तों। तो इससे मतलब वो कहते थे कि साथ साथ लैंड रेवेन्यू भी आप लेते रहिए, एकता मतलब लैंड असाइन कर देते थे। तो वो सिंपल था, उनसे बोलो लैंड असाइन कर दिया, छोटा छोटा डिवाइड कर दिया, असाइन कर दिया, और वो लैंड रेवेन्यू भी उससे कनेक्ट करते थे। कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम में मोस्टली यही रहा कि जो चीज़ें चल रही थी वही चलती रही, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया में चल रही थी वही चीज़ें चलती रही। लेकिन एकता सिस्टम थोड़ा सा ये फॉलो होने लगा कि लैंड जो है वो डिवाइड कर दिया गया। चेंजेस जो लैंड रेवेन्यू में वो लाए थे वो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी लाए थे, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस लाए थे, मशाहत कहते हैं उसको, ठीक है। डिटेल में अगेन मैं नहीं जा रहा, और भी लोग चेंजेस लाए थे काफ़ी ज़्यादा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक लाए थे चेंजेस। इन्होंने आप कह सकते हो लोन दिया था, इन्होंने क्या कहा था कि बेटर क्रॉप्स उगाया करो, ये सब इन्होंने टेक्निक्स यहाँ पे लगाई थी। एक और आदमी जो, या एक और है सुल्तान आदमी, तो ये सुल्तान वर्ड सही है ना, फिरोज शाह तुगलक थे वो, जो बहुत ज्यादा चेंजेस लाए थे दोस्तों। लोन दिए थे, काफी चीजें माफ करी थी दोस्तों, राइट। ये आप देखें तो फोकस क्यों कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू पे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम दी लैंड वाज दी इकोनॉमिक स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर। ये शुरू पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया में भी ये रहा है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज थी, उस पर टैक्स लगाते थे, रोड टैक्स होता था, ये टैक्स होता था, वो टैक्स होता था, आर्टिजन से टैक्स लेते थे, लेकिन वो लिमिटेड है दोस्तों, लिमिटेड। असली जो कमाई है ना, असली जो कमाई इवन अंग्रेजों की भी असली जो कमाई थी वो लैंड रेवेन्यू से हुई थी। तो इन सबकी भी लैंड रेवेन्यू से सब कमाई है। अब जो सबसे बड़ा जो चेंज लाया, मैंने ये सब बताया, एक ट्रेंड आपको क्रोनोलॉजी बताई, जो सबसे बड़ा वो चेंज लाया वो थे SSS, शेरशाह सूरी, सबसे ज्यादा चेंजेस लाए दोस्तों इन्होंने। टोडरमल आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी काफी हेल्प करी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस लाए थे, थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस तरीके से जो डिवाइड करा था चीजों को, वो शेरशाह सूरी लाए थे दोस्तों, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के बाद भी उसको एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे अकबर। टोडरमल जो थे वो इनके साथ भी एसोसिएटेड थे, अकबर इसे एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे, और अकबर तो इतना साइंटिफिक कर देंगे चीजों को कि लैंड रेवेन्यू आपको दिखेगा कि ज्यादा भी नहीं था और एक सही तरीके से निकाला जाता था। कैसा वो सही तरीका था वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दिया कि एकता सिस्टम स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे सल्तनत पीरियड है दोस्तों, ठीक है। अब ये मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड पे अकबर ने जो स्टार्ट करा ऑलमोस्ट सेम चीजें फॉलो करेंगे, जहांगीर ऑलमोस्ट सेम चीज फॉलो करेंगे, शाहजहां औरंगजेब भी, ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम चीजें। हाँ थोड़े से कुछ चीजें चेंज लाए थे लेकिन ज्यादा नहीं है चेंजेस, ठीक है। अगेन डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऊपर से ज्यादा देखेंगे। तो बहुत ज्यादा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस बहुत ज्यादा फोकस कराया एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा। एने आप देखेंगे एने अकबरी में तो डिटेल में एक एक चीज में गए हैं, एक एक चीज में कि ये क्रॉप कितने की है, किस जमींदार की क्या कास्ट है, वो सब चीजें भी है। वो हमारा आगे का जो लेक्चर है आपको दिखेगा वहां पे, एने अकबरी का एक स्पेसिफिक लेक्चर बनेगा, अबुल फजल साहब ने जो लिखी थी एने अकबरी। तो दिस एपरेटस इंक्लूडेड द ऑफिस, दफ्तर था ऑफ द दीवान, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। तो पूरा फिस्कल सिस्टम कैसे चल रहा है, रेवेन्यू ऑफिशियल थे साहब, रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे उस जमाने में भी, ठीक है, अच्छे अच्छे से रिकॉर्ड किए जाते थे। अकबर का सबसे बड़ा फोकस ये था कि देखिए भैया, अगर आपको लैंड का रेवेन्यू कनेक्ट करना है तो सबसे पहले एक काम करो। वो काम क्या है, क्या लगता है आपको, अगर आपको किसी लैंड का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा मेजर करो लैंड कितना है भैया, जितना लैंड होगा उतना ही तो आपका रेवेन्यू होगा। यहीं पे हम उसको फोकस करेंगे, यहाँ पे मेजर करने की थोड़ा। The Mughal state tried to first acquire specific information about the extent of the agriculture lands in the empire and what these lands produced before fixing the burden of taxes on the people.
पहले आप ये आपने बोल दिया कि यार मेरे को इतना रेवेन्यू चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता लैंड कितना है, तो रेवेन्यू क्या, ठीक है राइट। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ टू स्टेजेस, फर्स्ट असेसमेंट एंड देन द एक्चुअल कलेक्शन। तो सबसे पहले आपको असेस करना है, ठीक है, असेस द जमा वाज द अमाउंट असेस एज अमाउंट एज अपोज टू हासिल। तो दोस्तों जमा का मतलब है कि कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू में आएगा, जैसे 100 रुपए आएगा, एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स से अवध से 100 रुपए आएगा, ये जमा है, कितना आना चाहिए दोस्तों, आया 80, तो हासिल है। जब जब जमा से कम होगा हासिल, तब तब मुगल एम्पायर ट्रबल में रहेगा। जमा जब हासिल काफी कम हो जाएगा औरंगजेब के टाइम में, ट्रबल में आ गया एम्पायर, उनके आगे चल के तो बहुत ही आधे से भी कम और कम हो गया है ना। अकबर के टाइम में जितना जमा उतना ही हासिल था, ये अच्छी चीज है, ठीक है। हमेशा जब भी अच्छा रूलर होगा तो जमा और हासिल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आई होप जमा और हासिल में फर्क समझ में आ गया होगा। ये अमाउंट कलेक्टेड है, हासिल हासिल मतलब कितना हासिल करा, जमा मतलब कितना जमा कर सकते होना है। इन हिज लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ अमील गुलजार, ये सब नाम देखते रहे ना, रेवेन्यू कलेक्टर को बोलते हैं अमील गुलजार, IRS या IAS, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता था, लेकिन अब कह सकते हो यार आजकल तो IRS कलेक्ट करते हैं ना रेवेन्यू, तो मैं उनको कह देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कलेक्टर वैसे देखें, जो टर्म अगर देखें तो ये IAS के करस्पॉन्डेंट है वैसे तो। दोस्तों अकबर डिक्रीड डेथ व्हाइल ही शुड स्ट्राइव टू मेक कल्टीवेटर्स पे इन कैश, द ऑप्शन ऑफ पेमेंट इन काइंड वाज आल्सो केप्ट टू बी ओपन। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अकबर कहते थे कैश में आना चाहिए, कैश में क्यों आना चाहिए, मैंने नेक्स्ट लेक्चर सिल्वर इकोनॉमी में एक्सप्लेन कर रखा है कैश की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप नहीं समझ पा रहे कैश की इंपॉर्टेंस, कैश की इंपॉर्टेंस दोस्तों यही होती है इकोनॉमी चल पाती है ना, वरना तो क्या, काइंड में दे दिया, जैसे किसी ने काइंड में दे दिया, जैसे काइंड का मतलब है कि चावल दे दिए कि हाँ मेरा लैंड रेवेन्यू 100 किलो चावल है, 300 किलो मेरी टोटल उपज हुई है, 1/3 लैंड रेवेन्यू है, तो 100 किलो आप ले जाओ उठा के। अब 100 किलो उठा के ले जाना, संभालना है ना, उसको रखना सेफ जगह पे, 100 प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ये 100 किलो राइस से आप कुछ और तो खरीद नहीं सकते, कैश से आप 100 चीजें कर सकते हो राइट। तो कैश की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो हमेशा फोकस रखता था रूलर्स का कि भैया कैश में मिले हमें लैंड रेवेन्यू, जिससे हम सैलरी भी पे कर पाए अपने सोल्जर्स की, ठीक है ना, कैश ही इसलिए ज्यादा होना चाहिए। आई होप योर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंस हर रूलर ट्राई करेगा कैश में मिले, और जो रूलर कैश में ले पाएगा लैंड रेवेन्यू वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन अकबर ने बोला कि अगर नहीं कोई दे पा रहा कैश में तो काइंड में दे दे, हमें तो लैंड रेवेन्यू से मतलब है, ठीक है। लेकिन मोस्टली कैश में लिया इन्होंने, ठीक है। वो अब देखिए बोथ कल्टीवेटेड एंड कल्टीवेबल लैंड वो मेजर इन प्रोविंस, 12 प्रोविंस थे अकबर के टाइम में, सब में मेजर करा एंड कंपाइल द एग्रीगेट्स टू सच ऑफ सच लैंड्स ड्यूरिंग अकबर रूल। तो आपको सब कुछ दिखेगा, हमने आप जब एन ए अकबरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस कि मेजर करो लैंड की, ये अकबर के बाद भी फॉलो की गई, इवन औरंगजेब ने भी बोला, ठीक है, 1665 में औरंगजेब ने भी बोला कि भाई लैंड मेजर करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स लिखी हुई है दोस्तों, अमीन वॉज एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट इंपीरियल रेगुलेशन वर कैरिड आउट इन प्रोविंसेस, ठीक है। अमीन जो ऑफिशियल था उसका रूल था कि ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट इंपीरियल रेगुलेशन, अमीन को आप कह सकते हो ये गवर्नर की तरह है, आज की गवर्नर की तरह जो सेंटर बोलता है ना वो अप्लाई हो स्टेट्स में, ट्राई करते हैं गवर्नर से ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, अब आप बोलोगे यार साइंटिफिक साइंटिफिक बोले जा रहे हैं सर, इसका क्या मतलब है, साइंटिफिक क्या साइंस है यहाँ पे, है कुछ साइंस तो दिखे रहे, साइंस यहाँ दिखेगी, ठीक है, साइंस डिब्बे में दिखेगी। द फॉलोइंग इज अ लिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सर्टेड फ्रॉम द एन, तो ये सब एन अकबर में लिखा हुआ दोस्तों, जो लोग सो रहे हैं वो जाग रहे हो, जाओ थोड़ा सा, ठीक है, चाल जाओ, इंपॉर्टेंट है। द एम्परर अकबर इन हिज प्रोफाउंड सैगेसिटी क्लासिफाइड द लैंड एंड फिक्स्ड आउट डिफरेंट रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच। तो भाई अगर आप गंगा के किनारे रहते हो जहाँ की सॉइल उपजाऊ है, और आप रहते हो राजस्थान में जहाँ की इतनी उपजाऊ नहीं है, तो आपसे सेम लैंड रेवेन्यू नहीं लूंगा मैं, अलग अलग लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने फिक्स कर दिया कि 400 रुपये यहाँ से भी कलेक्ट करना, इसी लैंड से 400 रुपये यहाँ से भी कलेक्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग है ना प्रोडक्टिविटी। तो अभी तो देखिए साइंस आ रही है नहीं आ रही, यही तो साइंस है, अब साइंस कोई वो थोड़ी ना होगी कि हाँ भाई कोई न्यूटन लॉ लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कुछ वर्ड आ रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड आ रहे हैं, पोलाज पोलाज वर्ड आया, लिख दिया मैंने, जब मैं लिख रहा हूँ ना जो चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं लिखता तो कुछ ही नहीं है ना,
कोलाज इज लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेसिव एंड इज नेवर अलाउड टू लाई फैलो, कभी भी फैलो नहीं होता। जैसे एलुवियल सॉइल है, जैसे आई होप अपने एलुवियल सॉइल समझते हो, भारत में एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा है, अगर कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, अभी एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा, सबसे उपजाऊ जो नदियों के किनारे होता है, बिल्कुल बढ़िया सॉइल। तो ऐसे सॉइल पे जो हो रही है लैंड है वो हमेशा कभी फैलो रहता ही, एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप के बाद एक, है ना, विच इज एनुअली कल्टिवेटेड, हर साल कल्टिवेट हो रहा है सक्सेशन में, इसको बोलते हैं पोलाज। अलग अलग ट्रीटमेंट होगा इन सबका, इसलिए अकबर ने लिखे हुए परौती परौती, ठीक है, इस लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। तो लैंड को दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली उगाते रहोगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अब पोलाज तो ऐसा लैंड होता है जहाँ उगाते जाओ कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परौती वो वाला लैंड है कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली हम नहीं उगा सकते, हमें कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ना पड़ता है। कुछ टाइम में आप कोई आदमी मेरे से पूछे कभी कभी कि खाली क्यों छोड़ना पड़ता है यार, जो देखिए वाटर जो होता है वो वाटर जो होता है पानी में मॉइस्चर आपके सॉरी सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो रिकवर होता है, उसके बाद सॉइल डिपोजिशन होता है ना, डिपोजिशन पड़ा या नहीं पड़ा ज्योग्राफी में, तो डिपॉजिट होता है तो फर्टिलिटी सॉइल की वैसी बढ़ती रहती है, इसके बाद अर्थवॉर्म एक्ट करते हैं, ठीक है, तो साइंस वाली बात है सारी की कुछ टाइम के लिए उसे खाली छोड़ना पड़ता है जिससे वो उसकी फर्टिलिटी रिकवर हो जाए, ठीक है। मैंने कुछ कुछ चीजें बताई कि कैसे रिकवर हो जाती है। तो ऐसा जो सॉइल जो लैंड है जिसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है वो परौती है, उसको हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे। अकबर ने बोला चक्चर तीसरा तरीके का लैंड है, डेथ हैज बीन लेट फॉलो मतलब खाली छोड़ दिया जाता है 3 से 4 साल के लिए। कोई अगर ईयर पूछना चाहे तो आप क्लिक करके इसमें 1 to 2 years के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। वैसे ये लिख दिया था ना कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि लेफ्ट आउट ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ टाइम जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर जाए, अगर टाइम पीरियड मेंशन करना तो 1 to 2 years। पोलाज हमेशा खेती होती ही रहती है, ठीक है। तीसरे तरीके का लैंड हो गया बंजर, बंजर तो वर्ड शायद समझ ही रहे होगे, बंजर है मतलब जमीन कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, इसको अलग ट्रीटमेंट। बंजर इज अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years और मोर, तो ऐसे करके याद रखें ना PPCB, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके याद रख लो, पोलाज परौती चचर बंजर, ऐसे करके याद रख लो, याद रहेंगे, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, राइट। अब सुनिए, ऑफ द फर्स्ट टू काइंड ऑफ लैंड मतलब पोलाज एंड परौती में देर आर 3 classes, मतलब पोलाज एंड परौती को 3 parts में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, गुड मिडल बैड, गुड मिडल बैड, ठीक है दोस्तों। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों यार कि हाँ गंगा के किनारे है एक बहुत अच्छा है और एक मिडल तरीके का एक बैड है ना। ऑफ द फर्स्ट टू काइंड ऑफ लैंड देर आर 3 classes, इनमें भी फर्दर डिवाइड करा है दोस्तों, ठीक है, जिससे ऐसा ना हो कि मैंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि तू मुझे 1 acre जमीन के लिए 100 rupees दियो, एक किसान से तो ठीक है उसकी एक किसान है उसका इतना ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है 500 क्योंकि उसका गुड लैंड है, एक किसान है जिसका रेवेन्यू हो रहा है 50 क्योंकि उसका बैड लैंड है, तो ये तो यार मुश्किल हो जाएगी ना। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि लैंड रेवेन्यू जो फिक्स किया जा रहा है 1 acre का, कि 1 acre का मैं 100 rupees लूंगा आपसे, तो ये तो टफ है ना जब इतनी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है। अब आप बोलोगे एक ऐसे फिक्स किया कि 1 acre का 100 rupees लूंगा, 100 questions आते हैं ना लोगों के। तो दोस्तों ऐसा होता है, अकबर ने बोला था लास्ट 10 years का डेटा कलेक्ट करो, लास्ट 10 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई उसके हिसाब से निकाल के लाओ, ठीक है, लास्ट 10 years का डेटा देखो उसके हिसाब से निकाल के लाओ, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही फॉलो हुआ था। तो इसमें भी देखो गुड मिडल बैड में कर दिया, तो गुड वाले का लेट से हुआ 100, इसका हुआ लेट से कितना, थोड़ा सा आसान ले लेते हैं मैथ्स के लिए दोस्तों, है ना, मेरी भी थोड़ी कभी कभी मैथ्स घबरा जाती है, ऐसे कर लेते हैं 150, 100 और 50, मतलब 1 acre का गुड, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 acre का गुड है, 1 acre का मिडल है, 1 acre का बैड है, ठीक है, तो इतनी इतनी प्रोडक्शन है पिछले 10 साल में, दे एड टुगेदर द प्रोड्यूस ऑफ ईच सॉर्ट एंड द थर्ड ऑफ दिस रिप्रेजेंट द मीडियम। तो दोस्तों 150 डिवाइडेड बाई 3, हाँ जी मैथ आती है इन्हें भी, 300 by 3 तो 100 आया, ठीक है, देखिए 100 आया जो एग्जैक्ट फिगर है मिडल की, लेकिन कुछ डिफरेंट भी आ सकता है अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हो, लेट्स से ये वैल्यू 200 होती, लेट्स से ये वैल्यू 200 होती, 200 + 100 + 50 तो बिल्कुल मिडल की जितना नहीं आता, ठीक है, 350 हो गए, कितने हो गए,
ये आई थिंक ये 1 month ही हो गए, राइट? आई होप ये 1 month ही हो गए, या 1 month 7 ले लो, है ना, इतना हो गया एग्जैक्टली. अगर ले जाए 1 month 7 के अराउंड हो गया दोस्तों, ठीक है. अगर कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, मजाक कर लाना, बस हो गया, ठीक है. तो 117 आ गया. मेरा कहने का मतलब ये कि मिडल की बिल्कुल अराउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो मिडल के अराउंड आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज. मतलब मैं डिफरेंट वैल्यूज देखिए यही समझाना चाह रहा था कि एग्जैक्ट मिडल की वैल्यू नहीं आएगी, कभी कभी डिफरेंट भी आ सकती है. तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये मिड, ये जो वैल्यू आ गई 117, ये मान लिया अकबर ने कि इतना प्रोड्यूस होता है आपकी जमीन पे पोलाज वाली जो है, क्योंकि पोलाज का निकाल रहे हैं ना, परौती का अलग निकलेगा क्योंकि परौती का कम होगा, ये 100 होगा, ये 50 होगा, ये 10 होगा, है ना, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो परौती है, वो तो फैलोविल लैंड मतलब छोड़ दिया जाता है कुछ कुछ टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आई होप ये क्लियर हो रहा होगा. तो उसका अलग निकाला है, तो ये आ गया 100 रुपये आ गया दोस्तों, 100, ठीक है, 100 आ गया. 100 को भी बोल दिया गया अकबर ने कि ये 100 जो है इसका 1/3 मैं ले लूंगा, मतलब 33, ठीक है. जैसे यहाँ पे आए थे 117 ना, 117 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो 3 37 आया, 37 रुपये मैं ले लूंगा. अकबर ये बोल रहे 1/3 अकबर लेते हैं, 39 आया, 37 नहीं आया, 39, ठीक है. तो दोस्तों ये है अकबर की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, 1/3 ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड ऑन रूरल यूज. So what principles did the Mughal state follow while classifying lands in its territories? How were revenue assessed? इसका आंसर अब आप दे दो, मैंने जब इतना कुछ बोल दिया. इसका आंसर ना आप 150 वर्ड्स में लिखो, ठीक है, 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखो, ठीक है. रेवेन्यू कैसे असेस किया जाता था और what principles कैसे फॉलो करें, जो जो आपके दिमाग में आ रहा है लिखें आप कमेंट सेक्शन में. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. Expansion of Mughal Empire. What do you think the expansion of the empire would have had on land revenue collection? So, what impact do you think the expansion of the empire would have had on land revenue collection? बड़ा होगा. लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा. तो दोस्तों एक चीज याद रखो, 1530 में बाबर, 1605 में अकबर. अकबर का टाइम खत्म होने वाला है, औरंगजेब का टाइम खत्म होने वाला है. उस टाइम में देखो ये लैंड है, और आप देख सकते हो कि बिगेस्ट जो इंडिया का लैंड था वो औरंगजेब के टाइम में था. यहाँ देखो काफी कुछ कब्जे में है ना, तो औरंगजेब के टाइम में तो कंप्लीट इंडिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पूरा, ठीक है. तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी होगी कि डेक्कन भी आ गया औरंगजेब के टाइम में, और डेक्कन में बड़ी प्रॉब्लम है औरंगजेब को, ये लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने में, जागीरदारी देने में, मनसबदारी यहाँ पे लिखा हुआ ये देने में बड़ी प्रॉब्लम है. इसी को बोलते हैं डेक्कन अल्सर, जिसको जो यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है. और डेक्कन अल्सर कहा जाता है एक रीजन मुगल एम्पायर के खत्म होने का, एक रीजन कहा जाता है कि औरंगजेब फंस गए, 30 साल फंस गए इन मामलों में डेक्कन में. तो हमेशा हम काफी बार सोचते हैं ना कि इधर कब्जा कर लो, आज आज के टाइम में इधर कब्जा कर लो, उधर कब्जा कर लो, कभी कभी एक्स्ट्रा कब्जा करने से नुकसान हो जाता है. जैसे स्पेन में जब कब्जा करा नेपोलियन ने, तो स्पेनिश अल्सर बन गया वो, और क्या हुआ, नेपोलियन का टाइम भी खत्म हो गया. तो हमेशा एक्सपेंशन, हमें हिस्ट्री बताती है, हमेशा एक्सपेंशन सही नहीं होता. कुछ कुछ चीज़ों में एक्सपेंड थोड़ा केयरफुली करना चाहिए, जैसे अकबर कर रहे थे. आप भी रूल करें, हमें भी रूल करना है, ठीक है. ये मनसबदारी सिस्टम है, अगेन छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन मनसबदारी तो खुद ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. ये रैंकिंग का एक सिस्टम था, जात और सवार. जात और सवार, ठीक है, जात मतलब जितनी आपकी रैंक है, ठीक है, सवार मतलब आपको कितने घोड़े या हाथी रखने हैं ना, कितने घोड़े या वो म्यूल या विभिन्न विभिन्न जानवर थे, जनरली घोड़े है ना. तो जात आपकी जैसे 5,000 हो गई, 5,000 ही आपकी सवार है, 5,000 रखो घोड़ सवार, है ना दोस्तों. ये जनरली है जात और सवार मनसबदारी सिस्टम. ये सिविल कम एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल, जब यही लिखा है तो यही देख लेते हैं, मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस. तो मतलब ब्यूरोक्रेटिक का मतलब सिविल भी है साथ साथ. तो सिविल कम मिलिट्री वर्ड यूज किया जाता है कि सिविल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स सबको ये रैंक दी गई थी मनसबदारी से, राइट? द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैड एट इट्स एपेक्स अ मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस, जिसको मनसबदारी कहते हैं, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द स्टेट. मनसबदारी सिस्टम ने बड़ा फायदा करा दोस्तों, बड़ा फायदा करा. मनसबदार जो होते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था, ठीक है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था. उसके बाद
इससे क्या होता था कि एक जगह पे वो नहीं बनती थी पहुंच, जैसे आगरा है, आगरा में कोई पोस्टेड है उसको अगर बहुत साल आगरा में रखोगे तो वो पकड़ बना लेगा, फिर वो बगावत कर देगा। अच्छा है कि उसे कुछ टाइम बाद रोहतास ट्रांसफर कर दोगे उसको, है ना। तो ट्रांसफर होते रहते थे, मनसबदारी सिस्टम में होता था, एक लैंड पे उन्हें पोस्ट कर दिया जाता था, बोल दिया जाता था वहाँ का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, जुडिशियल एक्टिविटीज भी देखो, छोटी मोटी चीजें ये सब देखो। ठीक है दोस्तों, ऐसी जब डेक्कन आया औरंगजेब के हाथ में, तो डेक्कन में उन्होंने काफी सारे जो मनसबदार थे उन सब एक दूसरे में लड़ाई होती थी। तो डेक्कन अल्सर मतलब जब हम पढ़ते हैं तो ये सब देखते हैं इशूज। लेकिन मनसबदारी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था कि मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिश होने में, यही रिस्पॉन्सिबल रहा, वन ऑफ द रीजन बना मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का भी। सब मनसबदार्स वर पेड इन कैश, नकदी मतलब कैश, ठीक है, कुछ मनसबदार्स को कैश में दिया जाता था, व्हाइल द मेजोरिटी ऑफ देम वर पेड थ्रू असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू जागीर्स। इन्हीं को बोला जाता था जागीरदार, इनको बोल दिया जाता था ये आपका लैंड हो गया, ये आपका लैंड है, आप मुझे बस सर्विस दो अपनी। ठीक है, दे वर ट्रांसफर पीरियोडिकली जैसे मैंने आपको बताया। अब मेरे से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इकता वर्सेस मनसबदार वर्सेस नायक, इन तीनों में डिफरेंस बता दो, मैं आपको बहुत बढ़िया मान जाऊंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लैरिटी कितनी आपके टॉपिक के क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक हुआ, ये जमा क्या थोड़ा बात कर लेते हैं कि जमा पे देखो औरंगजेब पर कितना फोकस है, रेवेन्यू ऑफिसर को जो उन्होंने एक ऑर्डर दिया 1665 पे, ही शुड डायरेक्ट द अमीन्स ऑफ द परगनास दैट दे शुड डिस्कवर द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ कल्टीवेशन मौजूदत विलेज बाय विलेज सीजन वाइज असामी वार एंड आफ्टर माइन्यूट स्क्रूटनी असेस द जमा। औरंगजेब कह रहे हैं जितने ग्रैनुलर लेवल पे जा सकते हो उतने ग्रैनुलर लेवल पे जाके एसेस करो, ठीक है, विलेज बाय विलेज देखो, पीजन बाय पीजन देखो कितना जमा हो रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप कम हासिल दो मुझे, ठीक है। एंड आफ्टर माइन्यूट स्क्रूटनी असेस द जमा कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्री। याद रखो कि औरंगजेब को तो आजकल पता नहीं क्या दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि औरंगजेब वाज अ गुड रूलर, ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ये आपको समझनी होगी, अदरवाइज 50 साल कैसे रूल कर लेगा कोई, खुद ही बताओ 50 साल रूल करने देगी जनता, ऐसा तो है नहीं कि डंडे के बल पे पूरे 50 साल रूल करोगे, 50 साल रूल कराया औरंगजेब ने, तो एक ही बात, हाँ कुछ कुछ कमियां तो डेफिनेटली थी, ठीक है, कुछ कुछ कमियां तो डेफिनेटली थी, और हिस्ट्री में कुछ कुछ लोगों को ना विलन बना दिया जाता है, तो औरंगजेब आप देखो अगर डीप हिस्ट्री देखो तो औरंगजेब काइंड ऑफ एक विलन ही बन गए। तो एनीवेज, लेकिन आपको ये याद, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब जो ऑर्डर्स दे रहे हैं वो सिर्फ ये इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा फायदा करो, बल्कि पीजेंटी का भी फायदा होना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक द एम्परर इंसिस्टेड ऑन डिटेल सर्वे? डिटेल सर्वे से दोस्तों क्या होता है, जैसे प्लान बनाने को बोलते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम है 30 दिनों बाद, आप बोलो कि मैं 30 दिनों में हिस्ट्री खत्म करूंगा, आपका कुछ नहीं होने वाला अगर ऐसा प्लान है तो। अगर आप बोलो पहले 2 दिन मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूंगा, 2 से 3 दिन मैं उसका अगला चैप्टर पोस्ट बुद्धा वाला पीरियड पढ़ूंगा, महाजनपदा वाला पीरियड पढ़ूंगा, ऐसा आप प्लान करो, मैं बोलो कि 4 से 5 दिन मैं टेस्ट दूंगा, तो आपका सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जितने माइन्यूट लेवल पे हम जाके स्टडी करें, एनालिसिस करें, हमारा उसका फायदा रहता है, इसलिए औरंगजेब ने भी वही फॉलोसफी फॉलो करी। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिब्बे में दे रखा है, डिब्बे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये कैश और टाइम इसका जिक्र है कि कैश पे कलेक्ट करें टाइम में एंड ऑन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। लेट हिम अमिल गुलजार नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश बट टाइम में भी लो, टाइम में मतलब पूरी क्रॉप ले ली। द लेटर इज अफेक्टेड इन सेवरल वेज, बहुत तरीके थे काइंड में लेने के, ठीक है, काइंड का मतलब है कि जितनी आपकी फसल हो रही है उसका कुछ पार्ट हम ले लेंगे, ठीक है, ये फॉलो होता था पहले भी और अभी भी, इन्होंने बोला ठीक है हम फॉलो करेंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस पहले भी फॉलो होती थी, जैसे कनकुट है, ठीक है, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश में रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका नहीं, काइंड में रेवेन्यू कलेक्ट करने के कौन कौन से विभिन्न तरीके थे इंडिया में प्रेजेंट, ठीक है, एक तो कनकुट है, इन द हिंदी लैंग्वेज कन का मतलब होता है ग्रेन, कुट का मतलब होता है एस्टिमेट, तो ग्रेन को एस्टिमेट करो, इफ एनी डाउट अराइज द क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड इन 3 लॉट्स गुड मिडलिंग एंड इंफीरियर एंड द हेजिटेशन रिमूव ऑफन। टू द लैंड टेकन बाय अप्रेजमेंट गिव्स अ सफिशिएंटली एक्यूरेट रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे तो जनरली आप देखो तो ग्रेन का एस्टिमेट करता था, कितनी ग्रेन हुई उसको एस्टिमेट करो, और उस तब भी आपको क्लियर नहीं हो रहा, जितनी भी ग्रेन है उसको एस्टिमेट करो, उसका 1/3 ले लो, काफी बार क्या होता है ग्रेन को देखा, ग्रेन को देख के समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है कितना लो, सामने वाला बोल रहा है आधा खराब है,
जनरली आप देखो तो पीजेंट का क्या फोकस होगा, मैं कम से कम हूँ, और जो ये ऑफिसर है अमील गुलजार, इसका फोकस रहेगा मिर्जापुर से ज़्यादा भी, ठीक है। तो इन दोनों का थोड़ा सा हेजिटेशन, मतलब कुछ इशू, नेगोशिएशन बेटर करने के लिए क्या करो, वो मिडल और इंफीरियर में डिवाइड कर दो लॉट्स को, और उसके हिसाब से आप ले लो 1/3, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता था दोस्तों, बताइए होता था, इसको बाउली भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। क्रॉप्स को रीप्ड करते थे, स्टैक कर देते थे, एंड डिवाइड बाय एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, कुछ पार्टीज होंगी थर्ड पार्टी, उसके बेसिस पे हम क्रॉप्स को रख देंगे, उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे दोस्तों, है ना। देखिए इसमें क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड इन थ्री लॉट्स, यहाँ पे क्रॉप्स को कट करने की जरूरत नहीं है, बट इन दिस केस सेवरल इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज तो क्या होगा कि एविल माइंड और फॉल्स आर गिवन टू डिसेप्शन, मतलब बेवकूफ बना सकते हैं ना, काइंड ऑफ ये, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर्स की जरूरत है, अदरवाइज तो आपको कोई उल्लू बना देगा। तीसरा तरीका था खेत बताई, उसी का तरीका खेत बताई नहीं, आप कह सकते हो कि व्हेन दे डिवाइड द फील्ड्स आफ्टर दे आर सोन, जब फील्ड को डिवाइड कर देते हैं सोन करने के बाद, कि इतने फील्ड का पार्ट हम ले लेंगे लैंड रेवेन्यू, ठीक है, मतलब फील्ड व्हेन दे डिवाइड द फील्ड्स आफ्टर दे आर सोन, सोन करने के बाद सोनी मतलब बीज वगैरह डाल देना, ठीक है, वो ठीक है बो देना बोलते ना हिंदी में, तो बोलते हैं खेत को बांट दिया खेत को। फिर लंग बताइए, आफ्टर कटिंग द ग्रेन उसको हीप्स में डाला एंड डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स एंड ईच टेक हिज शेयर होम एंड टर्न्स इट इनटू प्रॉफिट, ठीक है। आफ्टर कटिंग द ग्रेन दे फॉर्म इट इन हीप्स, हीप्स मतलब ऐसे है ना, एंड डिवाइडेड इनटू हीप्स मतलब ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते हैं ना दोस्तों पार्ट्स में, ऐसे ऐसे करके देखा होगा शायद आपने। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देना, हीप का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे डिवाइड कर देना, ठीक है, ये जनरली फर्दर फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, मतलब ये सबसे बड़ा था, इसको फर्दर डिवाइड करा, इसको फर्दर डिवाइड करा, इसको फर्दर डिवाइड करा, टू टू के मल्टीपल्स में, इसको हीप बोलते हैं। तो फोर्थ लंग बताइए, आफ्टर कटिंग द ग्रेन दे फॉर्म हीप्स, हीप्स मतलब ऐसे बना दिया आपके, ठीक है, जैसे इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स एंड ईच टेक हिज शेयर होम, अपना शेयर ले गए और उसको प्रॉफिट में टर्न कर दिया, तो ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये है मतलब आपके तरीके की कि लेट हिम नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ओनली इन कैश बट काइंड में भी लो, काइंड में अगर डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट तरीकों में से आप ले सकते हो, ठीक है, डिफरेंट तरीकों में से आप ले सकते हो लैंड रेवेन्यू, मतलब चारों याद कर लेना, कनकोट बताई, लंग बताई, खेत बताई, खेत बताई मतलब खेत को तोड़ देना, लंग बताई में मतलब जब ग्रेन व्रेन कट हो रही है उसके बाद छोटे से पार्ट्स को ले ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट डिफरेंस वुड ईच ऑफ द सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हैव मेड इट टू द कल्टिवेटर, तो इन सब में आपको क्या लगता है कि हमने जो चार तरीके पढ़े, बट इन चारों में कल्टीवेटर को क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्या लगता है आपको, थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है। इसमें खेत डिवाइड कर रहा है, इसमें ग्रेन को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, थर्ड पार्टी आपके लिए हेल्पफुल है, कनपुट में आपका जो है ग्रेन का एस्टिमेट ले रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड भी कर रहे हैं कोड में डलर इंजीनियर में, ठीक है। तो ये तरीके हो गए दोस्तों, और ये हमारा आई थिंक ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखा है वुड यू कंसिडर द लैंड रेवेन्यू ऑफ द मुगल एज फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल है या नहीं, हमने देखे इतने तरीके हैं, क्या ये फ्लेक्सिबल है या नहीं है, तो एन ए देसाला सिस्टम बोलते हैं जो अकबर ने फॉलो करा, नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन एन ए देसाला सिस्टम है जो हमने ऊपर देखा था ना, जो मिडल वो वाला पलौच परौती चच्छर बंजर है ना, चार वाला वो गुड मिडल बैड वो वाले सिस्टम को एन ए दशाला बोलते हैं। एन ए दशाला के अंदर और भी चीजें आती हैं दोस्तों, और भी चीजें आती हैं, इसलिए यहाँ पे टर्म मेंशन नहीं की गई है, जैसे लोन भी देते थे अकबर, ठीक है, नाबुत भी एक टर्म होती थी उसमें, तो इसलिए यहाँ पे टर्म मेंशन नहीं है क्योंकि पूरा डिटेल में बताया नहीं गया, ऊपर ऊपर से बता के इन्होंने आगे बढ़े, लेकिन मैंने आपको जितनी डिटेल में जा सकता था मैंने बताया, ठीक है। आई स्टिल नो कि मैंने कुछ कुछ चीज़ों में आपको डिटेल में नहीं बताया होगा, आपके डाउट भी होंगे, जैसे नेगेटिव मैंने नहीं बताया, ठीक है। नेगेटिव मतलब आप ये समझ सकते हो कि हम जब ये डिस्कस कर रहे थे ना गुड मिडल बैड, तो आपने एक चीज नोटिस करी, हमारा एवरेज आया था 100, और बैड वाले का तो प्रोड्यूस ही 50 हो रहा है, इसका क्या होगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, आप हो आपका लैंड है बैड, वो लार्ज के अंदर बैड कैटेगरी में आ रहा है आपका लैंड, ठीक है दोस्तों।
और हमारा लैंड रेवेन्यू आया 100 डिवाइड बाय 3 33 है ना, मैं तो 33 ले रहा हूँ। तो 50 वाले की तो हवा निकाल दी यार, मतलब 50 वाले का तो बोला कि बस तेरे पास 17 रहेगा, 33 तो मैं ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नुकसान है तो कैश में। तो ये बंदा क्या, बंदे क्या करता होगा, ये बंदा क्या काइंड में देता होगा, ये बंदा काइंड में देता होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, सब रीजंस आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो मतलब बता देना। एक और चीज दोस्तों सामने बताना चाहूंगा, देखो आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा ज्यादा डीप में ना जाओ, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हमें अनफॉर्चुनेटली याद करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि ये वाला बंदा फाइन में दे देगा। स्टिल आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो थोड़ी कुछ कुछ चीजें याद करो, जैसे पोलाज पर होती चचर बन जाए, थोड़ा सा रटने वाला भी जो है, थोड़ा मैंने निमोनिक्स बता दी लेकिन इससे भी कितना होगा। फिर हमने अभी ऊपर ऊपर देखा कि लंग बताई खेत बताई, आई होप कंफ्यूजन ना हो इतना बताने के बाद, लेकिन अगर हो रहा है तो याद करने की कोशिश करें, नोट्स बनाए इसके, है ना। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, थैंक यू एंड टेक केयर, आई होप ये वाला लेक्चर फ्रूटफुल रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।